दोस्तों आज मैं रेस्टोरेंट स्टाइल एकदम आसान तरीके से पालक पनीर कैसे बनाया जाता है वो मैं बता रही हूँ। आपको मेरा ये रेसिपी वीडियो पसंद आए तो मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाना, जिससे मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। पालक पनीर बनाने के लिए पहले हमें पालक को बॉईल करना है। मैंने यहाँ पानी में थोड़ा सा नमक ऐड किया है। पानी हमें थोड़ा सा ही लेना है और उसमें हमें पालक को बॉईल कर देना है। पालक को बॉईल होने में ज़्यादा देर नहीं लगती, 4 से 5 मिनट में बॉईल हो जाती है। अब उसे निकाल देना है। बचा हुआ पालक का पानी है उसे फेंकना नहीं है, सब्जी में भी ज़रूरत पड़ने पर काम आएगा और ठंडा होने पर पी भी सकते हो। पालक को हमें ब्लेंड कर देना है। इस तरह हमें ब्लेंड करना है। मैंने यहाँ पे 2 क्यूब बटर लिया है, 1 टेबलस्पून ऑयल, 1 टीस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून क्रश की हुई हरी मिर्च, 1 टीस्पून अदरक की पेस्ट, 1 कप छोटी कटी हुई प्याज, 1 कप छोटे कटे हुए टमाटर, 1 स्वाद अनुसार नमक ऐड करना है। एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच टर्मरिक पाउडर, आधी छोटी चम्मच दाना जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अब अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हमें कवर करके 5 मिनट तक पकाना है, इसे प्याज और टमाटर अच्छे से गल जाए। दोस्तों अभी तक आपने मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाना, जिससे मेरे नए वीडियोस अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। प्याज और टमाटर अच्छे से गल गए हैं, अब उसमें जो हमने पेस्ट बनाई थी पालक की वो ऐड करनी है। अच्छे से मिक्स कर लेना है। लो मीडियम फ्लेम पर इसे हमें 4 से 5 मिनट तक कवर करके पकाना है, जिससे सारे मसाले पालक के साथ अच्छे से कुक हो जाए। चार से पाँच मिनट के बाद हम उसे थोड़ी देर ऐसे चलाते रहना है। अब उसमें 1 टेबलस्पून जितनी क्रीम ऐड करनी है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस को अब हमें ऑफ कर देना है। अब उसमें पनीर क्यूब ऐड करना है।
मैंने यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से रेस्टोरेंट स्टाइल पालक पनीर बनाया है। आप एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी है। दोस्तों अब ये हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल पालक पनीर बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों आपको मेरा ये पालक पनीर रेसिपी वीडियो पसंद आया हो तो मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। मेरे वीडियोस को आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करना मत भूलिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाना, जिससे मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आप मेरे वीडियोस को मेरे दूसरे सोशल मीडिया में भी देख सकते हो।